तेलंगाना विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच एक सीट पर कम ही लोगों की नजर जा रही है, वो है सिरपुर कागज नगर की सीट, जहां से बहुजन समाज पार्टी के राज्य के अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार भाग ले रहे हैं। तो वहीं आरएस प्रवीण कुमार पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। 2021 में उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रवीण कुमार को राज्य का अध्यक्ष बनाया। तो वहीं प्रवीण कुमार तेलंगाना में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे हैं। इस इदारे को तेलंगाना सरकार चलाती है, जहाँ स्टूडेंट्स को छात्रों को मुफ्त में खाना और बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें प्रवीण कुमार का बेहतर रोल रहा था इसमें काम करने में। तो वहीं स्वैरो नाम से मूवमेंट भी प्रवीण कुमार ने चलाया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना की तकरीबन सीटों पर मुकाबला कर रही है। तो वहीं सिरपुर कागज नगर की सीट से जीतना आरएस प्रवीण कुमार और बीएसपी दोनों के लिए ही काफी आवश्यक और निर्णायक है।